कि तारा देवी टेम्पल जो कि यहाँ से मतलब संकट मोचन मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। यार मौसम फिर से चेंज हो गया है, कल बारिश हुई थी ना रात को, अब देखो फिर से कितने बादल हो गए हैं। अभी धूप निकली हुई थी और अब देखो फिर से क्लाउड्स हो गए। और आएगी बारिश, आएगी 100% आएगी। और कह रहे हैं कि कल शायद स्नोफॉल हो सकता है, बोला ही था अभी, बोला ही था मैंने कि बारिश आएगी, लो देख लो बारिश आ गई। मैं कह रही ना मौसम ऐसा हो ही रहा था, कल रात को भी बारिश आई थी और अब भी स्टार्ट होगी रेनिंग। मजा आ गया वैसे, मौसम बहुत प्यारा हो गया। बिल्कुल ट्रेन ड्राइवर हो तो ही यहाँ पर आए। तो गाइस देखो हम कितने टॉप पर हैं, सारे पहाड़ ना इतने नीचे रह गए हैं। हम जहाँ मंदिर पहुंचे ना, ये तारा देवी टेम्पल इतनी हाइट पे है, देखो कहाँ से आए हम, सबसे ऊपर आ गए हम, सबसे ऊपर। और बहुत ठंडी हवा चल रही है और देखो सारे सारे के सारे पहाड़ नीचे नीचे लग रहे हैं, हम टॉप पे आ गए। जैकेट तल से 7200 फुट ऊंचाई पर स्थित है। एक बार राजा चंद्रसेन के स्वप्न में तारा माता आई थी, उन्होंने उनको दर्शन दिए थे, तो उसके बाद राजा ने यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पर माता का मंदिर बनवाया था। लाइट में कितना अच्छा चमकता होगा ना। यहाँ से मत जाओ। अरे कहाँ से चले थे हम, शॉर्टकट मार रहे हो। अबे यार रुक जाओ। तो कैसा लग रहा है पहाड़ों में ड्राइव करके? अच्छा लग रहा है। अब आइए ना एडवेंचरस वाली फील कि हाँ पहाड़ों पे आया हूँ मैं। हाँ शिमला से ज्यादा एडवेंचर यहाँ पे है और मणिकरण से ज्यादा डेंजरस ड्राइविंग यहाँ पर है, मतलब डेंजरस रोड जो कहेंगे, मोड़ कट्स मोड़ हाइट भी बहुत है, हाइट भी पूरी यूं है, खड़ी चढ़ाई है। कोई बात नहीं, अब फील आ गई ना अंदर थोड़ी सी कि पहाड़ों की वो पहाड़ों में आया हूँ मैं। कान भी दोनों बंद हो गए हैं। तो गाइस एक्चुअली सीन ये हो गया, अभी पापा का कॉल आया था तो पापा ने एक और मंदिर बताया, जटोली, शिव जी का मंदिर है जटोली, जो कि सोलन मतलब मेन रोड से 6 किलोमीटर अंदर जाकर है। तो अभी कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे भी जाएं, अगर जाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर डाउट में अभी क्योंकि जाएंगे तो हमें दिल्ली के लिए लेट हो जाएगा, बहुत सुबह तक ही पहुंच पाएंगे हम। देखते हैं अभी कैसे करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस कनव को हो गई वोमिटिंग वाली फीलिंग, अब जूस पी रहे हैं, हमने चीनू का जूस बनवाया है और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, उनको मेरे बालों से पता लगा कितनी तेज हवा चल रही है। अब जूस पियेंगे उसके बाद फिर चलेंगे आगे। ये पप्पी का बुला रहा है, ये पप्पी दिख गया इसको। क्या डैडी कहाँ गए? जूस बनवा रहे हो हमारे लिए, हमारा सिर घूम गया यहाँ से। ओ मेरा जूस। खाना नहीं है, भी जा रहे हैं, भी जा रहे हैं।
बढ़िया ना, मजेदार। 50 का A1 क्लास। तो हम जा रहे हैं जटोली शिव मंदिर, जो दिल्ली के लिए रास्ता कट रहा था, वहां से सोलन की तरफ हमें लेफ्ट टर्न लिया है। लेफ्ट टर्न से अंदर 10 किलोमीटर है मंदिर, मतलब जो दिल्ली के लिए रोड था उससे हटके अंदर की तरफ 10 किलोमीटर अंदर आना है आपको, अगर आपको ये इस मंदिर जाना है तो। और ये पूरा मार्केट एरिया है, मॉल, ये सोलन का मॉल रोड है, तो इससे होकर आपको जाना होगा। राजगढ़ मार्ग है ये, इस चौक से हमें राजगढ़ मार्ग पे जाना है। अब यहाँ से हमें सीधा चलना है भाई, पूरी मार्केट है। तो कभी कभी हमारे गूगल ने धोखा दे जाता है। क्या रहता है, फील आनी चाहिए, फील जंगल तो ले लो, जंगल वाली फील। मॉल रोड से निकल गए हैं, जंगल में आ गए हैं। मंदिर अभी तक मिला नहीं है हमारे को। मिल गया भाई, मंदिर मिल गया। ऊपर नीचे देख देख के थक गया, मंदिर दिख ही नहीं रहा कहीं, कहाँ है। कट्ठे गए हो? मिलेगा। 150 रुपये देंगे तो कहीं तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं सकता कि मंदिर ना हो। डॉगीज वाओ, पिटी पिटी डॉगीज। अरे भैया, ये जटोली शिवजी जी का मंदिर क्या है? जटोली शिवजी जी का मंदिर इधर से आगे ना, आपने लेफ्ट लेना, जो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा वही है। ठीक, हम मंदिर आ गए, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। पर देखो यहाँ, ये बाहर का है नंदी जी, और ये वो गण जो शिव जी के भक्त थे। ना शिव जी जब गए थे तो राक्षसों और भूतों की बारात लेके गए थे, तो ये सारे गण है। मंदिर बहुत अच्छा है, ये देखो हम कितनी हाइट पे हैं। और ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये है मंदिर पूरी, मतलब इतनी नक्काशी कर रखी है, बारीकी से काम कर रखा है, कितना सुंदर लग रहा है ना ये। क्या होता है, क्या होता है, क्या कर रहे थे अभी आप? दिख रहा है ये शेषनाग, ये विष्णु जी, और ये विष्णु जी का गरुड़। गरुड़ बोलते हैं बेटा। टाइम हो गया है 6:47, चंडीगढ़ हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ना बहुत जाम है, मतलब जितना स्पीड से आए थे ना, मतलब इतना लग रहा है यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, कि पूरा ट्रैफिक है। वैसे गूगल तो दिखा रहा है कि हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, खाना वाना खाएंगे तो एक घंटा उसका लगा लेते हैं कि 12 बजे तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ
अरे भाई रुक जाओ, हमारे को भी तो जाना है, तुम ही तुम जाओगे क्या? कोई बात नहीं भाई, तू चला जा, हमें जल्दी नहीं है। नहीं हमारे तो पर लग रहे हैं, उड़ के जाएंगे हम। फोन पे तो ऐसे हाथ रख लेते हैं जैसे तो भाई रोड ही नहीं गई है। हाँ कई बार तो ऐसा होता है दबाए दबाए चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अरे भाई आगे का जगह होगी तो ही जाएंगे ना, ये तो नहीं गाड़ी अपने कंधों पे उठा के कूद के खुद उठा के आगे रख देंगे। आज ही रख दी, रास्ता बन गया आपके लिए। तो की तरह काँ, 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 काँ करते रहेंगे और हम बजा के। सो गाइस अब हम डिनर के लिए रुके हैं, टाइम हो गया कितना हो गया? 9:38 हो चुका है। डिनर करेंगे अब हम, और अकॉर्डिंग टू गूगल कि हम 11 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन अब डिनर करेंगे तो एक घंटा तो बढ़ जाएगा टाइम, यानी कि 12:00 अराउंड हम घर पहुंचेंगे। तो अभी हम डिनर करते हैं, उसके बाद देखते हैं मतलब 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम व्लॉग एड कर देंगे। और आपको ये व्लॉग शायद कल थोड़ा लेट देखने को मिलेगा क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ेगी, और अब मैं थक गई, मेरी हिम्मत नहीं है एडिटिंग की भी। तो आपने क्या ऑर्डर करा? एक वेज थाली। ओके, इन्होंने वेज थाली ऑर्डर करी है। उसी में देखते हैं पहले कैसा टेस्ट आता है, उसके बाद फिर और कुछ ऑर्डर करते हैं। वैसे वेज बिरयानी भी बोल रहे हैं, वेज बिरयानी का मन कर रहा है। सॉरी, टेक अ व्यू ऑफ दिस प्लेस। नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये है कि रात को ना हमने देखा कई जगह ना क्राउड ही नहीं था, नहीं तो हम बहुत पहले डिनर कर लेते, एक घंटे पहले ही 8:00 अराउंड डिनर कर लेते। लेकिन बहुत ढाबों को देखा कि मतलब कहीं पे भी ना कोई क्राउड नहीं था, मतलब खाली पड़े थे बिल्कुल। तो फिर कहीं मन नहीं किया, फिर कुछ ढंग का सा प्लेस देख के वहाँ पर डिनर करेंगे। तो हमें फाइनली ये जगह पसंद आई तो हमने यहाँ पर डिनर कर लिया।